अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं प्रकाशी और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी जरूर देखनी है ताकि आप लोग उसी टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो पर्सन और थिंग है, वो नाउन और प्रोनाउन है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ये खुद तो एक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, उसको जो है वो उसको रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जिस तरह अगर मैं कहूँ दैट अनी इज ड्राइविंग द कार, तो इसमें अनी जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, द इज ड्राइविंग इज द वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट द कार जो है, अब अनी जो है वो एक्शन परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि अनी कार को ड्राइव करे, अनी इज द सब्जेक्ट। ठीक है, द कार जो है वो उसके एक्शन को क्या करिए, रिसीव करिए, दैट इज वाई इट इज रिगार्डेड एज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन है। फिर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है इट इज रैंक्ड हायर एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है, ऑन द अदर हैंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको रिसीव करता है। फिर है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनको प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होती है। हाउएवर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को जो इसकी ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं इनमें कैसे वर्ड्स आ जाते हैं, जिस तरह मैं कहूँ कि आई ब्रॉट अ कार। ठीक है, इसमें अब अ कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ब्रॉट वर्ब है, तो जो वर्ब का एक्शन आई का एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है वो कार है, तो देट इज वाई आर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह ब्रॉट जो था ना इसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब था, उसको क्या होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑन द अदर हैंड जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे द बेबी स्माइल्ड। ठीक है, अब इसमें जो है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं थी। स्माइल्ड जो है वो क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, और स्माइल्ड को क्या थी, ऑब्जेक्ट की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं थी। द बेबी सब्जेक्ट हो गया और स्माइल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, उसको ऑब्जेक्ट की जो जरूरत थी वो नहीं थी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। नूर बेक्ड अ चॉकलेट केक। अच्छा, ये एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि मेरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप लोग लाजमी देखें। अगर मैं फिर भी आप लोगों को इन शॉर्ट बताऊं तो सब्जेक्ट तो वो जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, और जो बाकी उसका सब्जेक्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, तो वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो इसमें जो है वो यहाँ पर नूर जो है वो सब्जेक्ट है, बेक अ चॉकलेट केक जो सारा पोर्शन है ये प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट आगे डिवाइड होते हैं वर्ब में एंड द ऑब्जेक्ट में। तो इसमें बेक्ड जो है वो काम है, तो वो डूइंग एक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ वर्ब, और चॉकलेट केक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि नूर जो है वो एक्शन परफॉर्म करिए, शी इज बेकिंग द केक। ठीक है, और जो केक है, केक उसका एक्शन रिसीव करे, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है, ही प्लेज बैडमिंटन। तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेज बैडमिंटन प्रेडिकेट है। अगर प्रेडिकेट जो है वो दो चीजों में डिवाइड होते हैं, प्लेज और बैडमिंटन, जिसमें सिर्फ प्लेज जो है वो वर्ब है और बैडमिंटन जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसकी रीजन यहाँ पर ये कि ही जो है वो क्या करे, ही बेसिकली काम करे, ही प्लेज, ठीक है, वो जो है वो कोई काम करे, हाउएवर क्या काम करे, बैडमिंटन नहीं करे, तो जो बैडमिंटन है वो सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो रिसीव करे, दैट इज वाई इट इज रिगार्डेड एज द ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात हम लोग ये देखें, तो ये देखें आप यहाँ पर कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, मैंने जितना पहले बताया वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स इस चीज से पूरा उतरती है, बल्कि जितनी भी आप लोग ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल्स देखने की, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट रिसीव्स, ठीक है, वो एक्शन वर्ड होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ड, ठीक है, एंड शो द एक्शन ऑफ द मीनिंग। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का जो मीनिंग है, जो एक्शन है उसको रिसीव करता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसकी लोकेशन क्या होती है,
ये इसका सेंटेंस में रोन क्या होता है, ठीक है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन का इन द सेंटेंस का हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये किन चीज़ों को आंसर करता है, ये हमें बताता है कि व्हाट और हुम इज आफ्टर एन एक्शन वर्ब, ठीक है। ये एक्शन वर्ब की बात होती है तो हमें बताता है कि व्हाट और हुम इज आफ्टर द एक्शन वर्ब, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये ज़्यादातर जो सेंटेंस के एंड पर जो है वो होता है, लेकिन हाँ इसकी लोकेशन कंफर्म नहीं, जिसका मैंने अपनी पिछली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली वीडियो में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक लोकेशन जो है वो कंफर्म हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रिलेवेंट। ये भी हो सकता है कि प्रेडिकेट आपका पहले आ जाए और सब्जेक्ट आपका बाद में आ जाए, इस तरह भी हो सकता है कुछ सेंटेंसेस। अच्छा, शी बिल्ट अ स्नोमैन, इसमें हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। शी जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, अब बिल्ट अ स्नोमैन इसमें प्रेडिकेट है, तो बिल्ट जो है वो ऑब्वियसली वर्ब हुआ, ठीक है। अ स्नोमैन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि ये ऐसा नाउन और प्रोनाउन है दैट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वो शी का एक्शन जो है वो रिसीव करे, जिसकी वजह से वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भी नाउन और प्रोनाउन है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, वो ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आता है बिटवीन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि कोई भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब देखें तभी जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेज है ना, जिन सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आएंगे तो उन्हीं को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरी होती है, पहली बात तो ये हो गई। अब जिस तरह बिंड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। शी, अब मैं कहूँ शी बिंड अ स्नोमैन, अब शी बिंड अ स्नोमैन जो है यहाँ पे है अ स्नोमैन, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान में अगर एक चीज और आ जाए ना, एक और कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना, तो वो होगा बेसिकली हम लोग का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, आगे हम लोग देख लेते हैं, तो ये भी बताता है कि ये नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, और इसकी अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो इट्स लोकेटेड बिटवीन द एक्शन वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह मैंने आप लोगों को लोकेशन के थ्रू पीछे जाके बताया। फिर इसके बाद इट आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट, फॉर व्हाट, टू हुम और फॉर हुम द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म, मतलब कि एक एक्शन ऑफ द वर्ब किस लिए परफॉर्म हो रहा है, किसके लिए परफॉर्म हो रहा है, टू व्हाट किस चीज के लिए हो रहा है, तो ये जो है ना ये सारी चीजें ना ये देखता है। उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल या इसकी पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग मेरे ख्याल से इस एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को जो है वो हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, और उसके प्रेडिकेट को हाईलाइट कर लेंगे। प्रेडिकेट को हाईलाइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये वाला जो है वो वर्ब है। वर्ब को करने के बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसको सारे को जो है वो सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आंसर कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जो बेसिकली कौन सा होता है, जो इन दोनों के दरमियान में जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम लोगों को ऑब्वियसली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल जाएगा, या हम लोग इस तरह भी अपने आप से क्वेश्चन करके इससे पूछ सकते हैं, व्हाट हम लोग पूछ सकते हैं, आस्क फॉर द क्वेश्चन व्हाट और फॉर व्हाट और फॉर हुम जो है हम लोग पूछ सकते हैं, तो हम लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इन क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर रहे थे ताकि आप लोग की सही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। द टीचर गेव हर स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट, इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, द टीचर, हमें पता चल गया द टीचर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। गेव हर स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, ये सारा पोर्शन क्या हो गया, ये है प्रेडिकेट। अब हमें पता चल गया गेव जो है वो काम है, तो गेव हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। हर स्टूडेंट्स आर लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है। अब टीचर क्या करती है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स देती है। अब हमने देखा था जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले देख लेना इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, असाइनमेंट्स, क्योंकि टीचर क्या दे रही है, असाइनमेंट्स दे रही है। जो असाइनमेंट्स हैं वो वर्ब का एक्शन जो है वो डायरेक्टली ले रही है, तो दैट इज वाई असाइनमेंट्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम लोगों को इसमें पता चल गया। और जो इन दोनों के बीच बीच में आए वो क्या है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स जो है वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ही ऑफर्ड हर अ कॉफी। इसमें ही जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। फिर हम लोगों को क्या चल गया, ऑफर्ड हर अ कॉफी हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। अब ऑफर्ड इसमें क्या है, वर्ब है, ठीक है। ऑफर्ड अ कॉफी, ही ऑफर्ड हर अ कॉफी, तो इसमें जो हर है, ठीक है, हर जो है वो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्ब, ठीक है, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफी, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है ऑफ द सब्जेक्ट। तो इन दोनों के दरमियान में क्या प्रेजेंट है, हर। तो हर जो है दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पेन के नाम में इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।